तो चलो अभी खाना बनाएंगे, बोले फिर बोलते हैं उसके बाद कुछ फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह कुछ पढ़ लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, दिस इज अनुवर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीएम ब्रा ब्लॉग्स। सो यू नो टुडे इज संडे एंड ऑन संडे वी डू हैव क्लासेस बट नो रिलैक्सेशन because from the next month our semester exams are approaching, so I have to focus more on study also. So आज संडे कुछ इतना प्लान नहीं है बाहर जाने का भी, कोई मार्केट भी नहीं चल रही है, सो क्या जाएगा तो क्या करेंगे, कुछ शॉपिंग वगैरह भी नहीं हो सकता है। सो अभी मैं जस्ट नहा कर रेडी हो गई, तुम देख सकते हो। नाउ टाइम इज 12:30 PM एंड सुबह तो जैसे जैसे ब्रेकफास्ट हो गई बट लंच का कुछ प्लान नहीं हुआ है, मैं क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे खुद खाना भी बनाना पड़ता है, अपने लिए बना रहे हैं ना और किसी के लिए तो नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। सो मैं कुछ सोचा नहीं अभी तो क्या बनाऊंगा, लेकिन चिकन खाने को बहुत मन कर रहा है चिकन मैं ज़्यादा खाता हूँ, सो मैं सोचता हूँ कि चिकन ही बाहर के ले आऊँ, लेकिन दुकान भी बंद ही लगता है क्योंकि हर दिन 11-12 बजे से बंद हो जाता है। देखते हैं बाहर जाऊँगा थोड़ा सा देख के आऊँगा, अगर चिकन सेंटर खुला है तो चिकन ही लेकर आएंगे और चिकन करी बना के लंच कर देंगे, बहुत भूख भी लग रही है। सो मैं मास्क भी लगा लिया, रेडी हो गई, अभी बाहर जाऊंगा चिकन लाने के लिए, कुछ छोड़ेंगे नहीं, डीएम ब्रो है ना। चलो जल्दी से जा कर आते हैं, देख कर आता हूँ, अगर नहीं होगा तो नहीं मिले तो कोई बात नहीं, ऐसे लौट जाऊँगा, अगर मिले तो लेकर आ जाऊँगा। फ्रेंड्स फाइनली मैं वापस रूम पहुँच गया, बाहर कड़ी धूप है और तुम देख सकते हो कितना पसीना निकल रही है, लेकिन मैं जिसके लिए गया था वो मिला नहीं। मैं सारे जगह सारे दुकान पे चिकन देखा लेकिन दुकानदार बोले कि 4 बजे आ जाओ अभी नहीं मिलेगा कुछ कर भी नहीं सकते और क्या बोलेंगे, स्वाद चिकन वगैरह नहीं होगा आप क्यों झूठ बोलूँगे, चिकन मिला नहीं मुझे। सो आज भेज चला देते हैं, ओके सो सी यू। सो चलो अभी खाना बनाएंगे, पहले स्कूल बोल देते हैं। सो मैं साफ करने के लिए यूटेंसिल साफ करने के लिए यूज़ करता हूँ भीम, बहुत ही अच्छा क्लीनर, मैं इसको यूज़ करता हूँ। सो जल्दी से खाना बनाते हैं फिर इसके बाद कुछ फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह कुछ पढ़ लेते हैं, एग्ज़ाम भी पहुँच रहा है तो ज़्यादातर पढ़ना है नहीं तो। हेलो फ्रेंड्स, आपको बताएगा कि 9th मई को इंटरनेशनल मदर्स डे है, सो ऑल ओवर द वर्ल्ड दिस डे इज सेलिब्रेटेड टू गिव ऑनर टू मदर। आई थिंक आपका दिन भी अच्छा ही होगा, लेकिन दुख की बात है कि हम मेरे पास मम्मी नहीं है, है लेकिन गांव में है, वो गांव में रहती है, मैं इधर शहर में रहता हूँ, शहर नहीं कह सकता लेकिन नेटवर्क अवेलेबल एरिया है क्योंकि गांव में नेटवर्क भी नहीं है, क्वारेट भी नहीं है, सो हमारा ऑनलाइन क्लास होता है तो बहुत प्रॉब्लम मुश्किल होती है ऑनलाइन क्लास करने में। सो मैं इधर शहर आ गया हूँ, गाँव से जहाँ भी रहता हूँ वो गाँव से 50 से 40 किलोमीटर होगी। वन थिंग यू विल नॉट बिलीव दैट आई हैव नेवर सीन माई मदर फ्रॉम द लास्ट 2-3 मंथ्स, क्योंकि ज़्यादातर क्लास होती है ऑनलाइन क्लास होती है तो छुट्टी भी कोई मिलती नहीं है, संडे सैटरडे को ऑफ रहती है क्लास, लेकिन लॉकडाउन की वजह से संडे सैटरडे गाड़ी भी नहीं चलती है, सो मैं घर भी नहीं जा पाता हूँ, लेकिन क्या करें कुछ कर भी नहीं सकते हैं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा, कुछ सैक्रीफाइस तो करना पड़ेगा, सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। लेकिन मैं अपना माँ को बहुत प्यार देता, मतलब बहुत प्यार करता, आई लव माई मदर वेरी मच, और ये तो सभी लोग माँ को तो प्यार ही करते हैं, लेकिन जो भी कुछ मांगूंगा पैसा हो चाहे वो पैसा हो या कुछ भी हो कुछ मना नहीं करते, लेकिन हाँ नहीं हो तो बोल देते कि नहीं इतना मेरे पास नहीं है, मैं कैसे आपको तुमको कैसे दूंगा इतना सारे, सो ऐसे बोलते हैं लेकिन मना नहीं करते, जो भी जितना भी है मुझे ला कर जरूर देते हैं पर मना नहीं करते हैं। आपको एक चीज़ जान के हैरानी हो कि मेरी माँ अनपढ़ है, वो पढ़ी लिखी नहीं है, ऐसे कि अपना नाम तो साइन करना भी नहीं आते हैं, लेकिन कोई बात नहीं मुझे पढ़ा रहे हैं, मतलब खुद ना पढ़ने के बावजूद भी वो मुझे एक अच्छे स्कूल में पढ़ाया और अभी अच्छा कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, सो आई एम रियली वेरी वेरी थैंकफुल टू देम, बहुत बहुत धन्यवाद, अपने दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। सो फ्रेंड्स अभी टॉपिक पर आ जाते हैं जिसके लिए वीडियो बनाना था मुझे, सो आप थंबनेल में भी देखे थे कि मेरा फोटो के साथ और किसी का फोटो लगा हुआ था, सो ही इज़ द पर्सन जिसका चैनल मैं सब्सक्राइब किया हूँ और मैं 2 साल से उनका चैनल देखता आ रहा हूँ, बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं, आई लाइक हिम। सो जिसका जिसका चैनल भी मैं सब्सक्राइब किया हूँ ऐसे वीडियो आते रहेगा, और इस वीडियो में मैं जिसका चैनल सब्सक्राइब किया हूँ उनका नाम है मनोज दे, वो झारखंड में रहते हैं, उनका 2 चैनल है, मनोज दे और एक मनोज दे ब्लॉग से, मुझे बहुत अच्छा लगता है
बस मैं 2 साल पहले जब उनका वीडियो देखा था तब उनके पास एक खपरा से मिट्टी से बना हुआ था एक झोपड़ी घर था, लेकिन आज उनके पास बिल्डिंग है, कार है, बाइक है, सब कुछ है, फिर भी वो इतना सिंपल जीवन जीते हैं आप सोच भी नहीं सकते हैं। बट वन गुड क्वालिटी विच आई लाइक इन हिम इज ओपन माइंडेड। ही शेयर इच एंड एवरीथिंग विद द सब्सक्राइबर विद द अदर पीपुल, सो दिस इज ए गुड क्वालिटी रियल। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक गांव से आए हुए लड़का इतना सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना कोई छोटी काम नहीं है। सो रियली इट इज अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर ऑल द पुअर पीपुल लाइक मी। सो आज का वीडियो में इतना ही था, आगे और भी बताऊंगा जिसका जिसका चैनल में सब्सक्राइब किया हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बहुत रात भी हो गई और कल भी क्लास भी है, सो जल्दी खाकर सोना है। ओके बाय, सी यू।